वेलकम टू माय चैनल फूड जेनियम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वेज कीमा विद पाव। आप इस रेसिपी को जब खाएंगे तो आपके मुंह में स्वाद ही स्वाद आ जाएगा। प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। आइए शुरू करते हैं। आइए मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 कप सोया ग्रैनुल्स, इसको मैंने गर्म पानी में सोक करके स्क्वीज करा है। 2 chopped onions, 4 blended tomatoes, सॉल्ट, जीरा, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, पाव, वेजिटेबल ऑयल, कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनाई है, लेमन, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पैन को मीडियम फ्लेम पे ऑन करके हीट करना है और इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर हम अनियंस डाल देंगे। इनको हमें ब्राउन होने तक पकाना है। अनियंस हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है इसमें और उसको भी 2 मिनट तक सॉटे करना है मीडियम फ्लेम पे। अदरक लहसुन हो चुका है, अब हम इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमारा स्लो पर ही रहेगा। अब हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। 1 teaspoon सॉल्ट, 1/4 रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/4 teaspoon ऑफ आमचूर पाउडर, 2 teaspoon पाव भाजी मसाला, 2 teaspoon रेड चिली कश्मीरी मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे आप इसको अच्छे से पका लीजिए 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको ढक के रखेंगे ताकि अच्छे से मसाला ऑयल छोड़ दे। मसाले को मैंने स्लो पर ढक के रखा है, कवर करके रखा है लिड के साथ। 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे कि इसने ऑयल छोड़ा है कि नहीं। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, सारा ऑयल इसने छोड़ दिया है। कश्मीरी मिर्च बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है लेकिन उससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। अब आप इसमें 1/2 कप वाटर डाल दीजिए और इसको बॉइल होने दीजिए। देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और इसके अंदर अपने सोया ग्रैनुल्स मिक्स करके उसको फिर 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे। फाइव मिनट्स हो चुके हैं स्लो पर इसको, अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, कीमा मसाला। अब थोड़ा सा आप गैस फ्लेम तेज करिए और इसको अच्छे से ऑयल सारा रिलीज करने दीजिए और इसी मोमेंट पे हम इसमें नींबू डालेंगे, 1/2 नींबू। अब आप देख सकते हैं कि इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, बटर। इससे इसका फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। और अब आपका मसाला कीमा रेडी है, अब हम पाव सेकते हैं। पाव सेकने के लिए सबसे पहले आप तवे को हाई फ्लेम पे ऑन कर दीजिए, इसको हीट होने दीजिए। इन द मीन टाइम आप पाव के ऊपर बटर अप्लाई कर लीजिए। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पाव सेक लेते हैं। पाव के ऊपर अच्छे से मैंने बटर अप्लाई किया है, मीडियम फ्लेम पे पाव को अच्छे से क्रिस्प कर लीजिए।
सिक गए हैं, आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारा कीमा पाव रेडी हो गया है, देखिए कितना यमी लग रहा है। सबसे मजे की बात है कि ये वेज कीमा है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए।